बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंड स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 20, दैट इज द क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 20 में से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और उनको हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सिलेबस में। तो सबसे पहला है ग्रिफ्स एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें हमने ग्रिफ्स के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, एक बैक्टीरिया पर जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई पर, जिन्होंने माइस में निमोनिया की डिजीज कॉज की थी, और इसकी टू फॉर्म्स के बारे में हमने बताना है कि एक बैक्टीरिया की टाइप है जिसको हम आर फॉर्म कहते हैं और दूसरी टाइप है जिसको हम एस फॉर्म कहते हैं। और इस तरह से इन्होंने इस आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया को कहा था इट इज द लेस वायरुलेंट और ये डिजीज पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, जबकि जो एस फॉर्म वाला बैक्टीरिया था इट वाज द वायरुलेंट एंड इट कॉजेस द डिजीज। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने नोट किया था कि अगर आर फॉर्म वाला बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किया जाए तो उस माइस में डिजीज कॉज नहीं होती और माइस जो लाइव जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर इस एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये माइस डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर इसी तरह से इन्होंने इस एस फॉर्म बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया और माइस में इंजेक्ट किया, तो देखा हीट किल होने के बाद इस एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया में डिजीज पैदा करने की एबिलिटी नहीं रही, यानी कि हीट करने से एक्चुअल में उसके जो प्रोटीन का कोट था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। और जब इन्होंने हीट किल किए एस फॉर्म और लाइव आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया का मिक्सचर यूज किया तो उससे माइस में डिजीज कॉज होती है, डिजीज सिम्टम्स अपीयर होती हैं, और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट बेस बनता है कि हेरिडिटी मटेरियल आया के प्रोटीन है या के डीएनए है। तो इस तरह से डीएनए को एज अ हेरिडिटी मटेरियल के प्रूफ करने के तौर पर जो है इस ग्रिफ्स के एक्सपेरिमेंट से आगाज होता था, जो बाद के एक्सपेरिमेंट में डिटेल से इसको जो है वो साइंटिस्ट आगे चलाते हैं। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि एस फॉर्म आर फॉर्म वाले बैक्टीरिया उसका मिक्सचर और हीट किल किए हुए बैक्टीरिया से किस तरह से आर फॉर्म वाला अपने आप को एस फॉर्म वाले बैक्टीरिया में बदलता है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड में ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख देंगे और इसका स्केच बनाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है जिल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए की रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है इट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। तो इस तरीकाकार के लिए इन्होंने क्या किया था, एक आइसोटोप, एक डीएनए का मॉलिक्यूल जो है ऐसा प्रिपेयर किया, सिंथेसाइज किया कि जिसमें इन्होंने हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन को इनकॉर्पोरेट किया। अब इस हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन को जब कभी एक ऐसा मीडियम दिया जाएगा कि जिसमें नाइट्रोजन लाइटर आइसोटोप, नॉर्मल जो आइसोटोप नाइट्रोजन का 14 वाला है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद अगर डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो कहता है सेमी कंजर्वेटिव है, तो ऐसी सूरत में ये कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे सामने आने चाहिए। अगर हम 0 मिनट के लिए बैक्टीरिया को यूज किया था इसने और उस बैक्टीरिया के डीएनए में ऐसी नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट कर दी जो हैवी आइसोटोप वाली थी, बाद में उसको उसने 0 मिनट के लिए रखा, तो जाहिर सी बात है इस बैक्टीरिया के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड हैवी नाइट्रोजन वाले ही रहेंगे। और इसी तरह से अगर डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के मेथड से रेप्लिकेट होता है तो फर्स्ट राउंड जो है वो रेप्लिकेशन का मुकम्मल करने के बाद, तो फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन का मुकम्मल करने के बाद इसके सामने जो डीएनए सिंथेसाइज होगा वो 14 वाली नाइट्रोजन के साथ तैयार होगा। और ऐसा ही हुआ, क्यों कि हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन जो थी वो हैवी होने की वजह से डीएनए के ये जो स्ट्रैंड
ये टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल बॉटम पर जाने की बजाय एक मिडल लेवल पर सस्पेंड हो गए थे, तो जिससे डीएनए की डेंसिटी को देख के पता चलाया कि भाई डीएनए की जो रेप्लिकेशन का मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब देखें ये हैवी आइसोटोप वाले स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड जब इसमें सेमी कंजर्वेटिव वे से लाइटर आइसोटोप वाली नाइट्रोजन का सिंथेसाइज हुआ तो डीएनए जो है वो इस तरह से अपने डेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देता है और मिडल में आ जाता है। और जब इसी ही बैक्टीरिया ने सेकंड राउंड रेप्लिकेशन का मुकम्मल किया तो उसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल ऐसा भी पैदा हो गया जिसमें दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो थे वो लाइटर आइसोटोप वाले थे। तो इस तरह से डीएनए की जो रेप्लिकेशन का मेथड वाकई ही सेमी कंजर्वेटिव है, तो ये रेप्लिकेशन का प्रूफ इस मेंडेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट से मिलता है। हमने इसकी ये डायग्राम बनानी है और इसके ऊपर एक बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन का टाइम लेवल करना है और इसमें जो ये सॉल्यूशन यूज किया था इसके बारे में बताना है। इट इज द डेंसिटी ग्रेडिएंट सॉल्यूशन जो कि सीजियम क्लोराइड से बनाया गया था। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन, और इस डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने बताना है कि जो मेजर फाइव प्रोटीन्स यानी एंजाइम्स यूज होते हैं और इसकी डायग्राम को हमें लेबल करके बताना है। तो देखें सबसे पहला एंजाइम इसको हम कहते हैं इट इज द आरएनए प्राइमेज जो आरएनए का प्राइमर तैयार करता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है डीएनए पॉलीमरेज ने करनी है डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो हम इस तरह से ये लिस्ट बना लेंगे फाइव एंजाइम्स हैं और इसी तरह से हेलिकेज एक एंजाइम है और इसके बाद हम देखते हैं हेलिकेज के बाद डीएनए लाइगेज एक एंजाइम यूज होता है और एंड पर है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन इन फोर प्रोटीन्स के बारे में हमने बताना है और साथ इसकी डीएनए के रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म वाले डायग्राम को बना के लेकर कर देंगे जो इस तरह से बनाई थी हमने। इस तरह से दो पेरेंटल स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं और इस तरह से दरमियान में यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम को लेबल करते हैं। ये डीएनए की हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है पेरेंटल स्ट्रैंड में और इस तरह से ये एक आरएनए का पीस यहाँ पर अटैच करते हैं और ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। ये था 3 प्राइम एंड 5 से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, जबकि डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड जो कि एंटी पैरेलल होता है तो इसकी सिंथेसिस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क होती है इस तरह से। तो ये वाली स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस मैनर में सिंथेसाइज होती है जबकि डीएनए की ये वाली स्ट्रैंड कंटीन्यूअस वे में सिंथेसाइज होती है। तो इस तरह से हमने इसको हेलिकेज लेबल करना है, डीएनए पॉलीमरेज लेबल कर लेना है। तो ये डीएनए के रेप्लिकेशन वाले डायग्राम भी मुकम्मल हो जाएंगे और इसमें लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड और ओकाजाकी फ्रैगमेंट की डेफिनेशन भी बयान करेंगे। इसी तरह से है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है हम कहते हैं इट इज द ट्रिपलेट ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड। ये तीन न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट कोड है और इस कोड को ड्रा करने का एक टेबल जो है वो हमने सीखा है कि इस तरह से हम बना लेते हैं यू ए सी जी। फोर कॉलम बनाएंगे, फोर रोज बनाएंगे और हर बॉक्स में फोर लाइनें बनाते हैं। तो इस तरह से ये जेनेटिक कोड वाले टेबल को भी हम मुकम्मल कर लेंगे। तो ये बन गए यू ए सी जी। तो इस तरह से हर बॉक्स में हर खाने में मजीद हमने फोर लाइंस बनानी है इसी तरतीब से यू ए सी जी। तो इस तरह से जब हम इसको पूरा फिल करेंगे तो ये 64 कोड बनते हैं। और मजीद इन कोड्स में हमने ये भी देखना है कि कुछ कोड ऐसे हैं जिनको हम ना
नाम देते हैं, दीज आर द यूनिवर्सल एंड सम कोड आर द नॉन यूनिवर्सल। माइटोकॉन्ड्रियल कोड और बैक्टीरिया के जो कोड है वो नॉन यूनिवर्सल है, और बाकी जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले कोड जो है सिमिलर है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कोड के बारे में बताएंगे, और इसी तरह से नॉन यूनिवर्सल कोड्स के बारे में बता देंगे, और इसी तरह से इसमें बताना है स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में UAA, UAG और UGA आते हैं, और इसी तरह से एक कोडॉन है जिसको हम स्टार्ट कोडॉन का नाम देते हैं, इट इज द AUG, इट इज द स्टार्ट कोडॉन। और इसी तरह से इन कोडॉन्स को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था हार्कोविंद दुराना और मार्शल फिलिप्स नेरिनबर्ग ने। इन दो साइंटिस्ट के नाम लिखेंगे, इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम डिफाइन करते हैं सिंथेसिस ऑफ RNA और द मैसेंजर RNA फ्रॉम DNA। DNA से RNA की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो सबसे पहले मरहले में हमने बताना है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो एंजाइम है, इट इज द RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज है, और इसी तरह से इसकी भी थ्री टाइप्स हैं RNA पॉलीमरेज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड RNA पॉलीमरेज, थर्ड ट्रांसफर RNA, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट मैसेंजर RNA, RNA पॉलीमरेज सेकंड जो है राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करवाता है। और इसी तरह से इसमें ट्रांसक्रिप्शनल बबल के बारे में बताना है, जहां पर ट्रांस क्रिप्शन स्टार्ट होती है, और इस आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताना है कि ये आरएनए पॉलीमरेज टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। आरएनए पॉलीमरेज के दो हिस्से हैं, एक जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, और दूसरा इसमें मौजूद होता है कोर एंजाइम। ये दो हिस्से इस आरएनए पॉलीमरेज के हैं जो आरएनए की सिंथेसिस करवाते हैं। फिर इसके अंदर हमने एक्सप्लेन करना है इस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड का, कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड, और इसी तरह से इसकी भी एक डायग्राम है वो हम इसमें ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसको हमने थ्री स्टेप्स में डिवाइड किया था। एक जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, और इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप इसका है इलोंगेशन, और थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने ये बताना है कि किस तरह से मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के स्मॉलर सबयूनिट के साथ और ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होता है, एंड में लार्जर सबयूनिट आकर अटैच हो जाता है। और ट्रांसफर आरएनए, पहला ट्रांसफर आरएनए एक खास प्रोटीन जिसे इनिशिएशन फैक्टर की मदद से एंटर होता है, और इस तरह से इसकी डायग्राम जो है वो हमने बना के लेवल की थी, इसको हम ड्रा कर लेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए है, और दरमियान में इसके आने वाला ये ट्रांसफर आरएनए का मॉलिक्यूल है, और अपने साथ पहले अमाइनो एसिड जो कि मेथियोनीन है उसके साथ आता है, और इसकी मदद के लिए एक IF इनिशिएशन फैक्टर प्रोटीन इसको गाइड करती है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो इलोंगेशन फैक्टर है। इनिशिएशन में हमने ये भी बताना है कि जैसे ही राइबोसोम का लार्जर सबयूनिट आके अटैच होता है तो दो साइट रिकॉग्नाइज हो जाती हैं, और जिनको हम कहते हैं ई साइट, ए साइट एंड टी साइट, तीन साइट्स राइबोसोम के लार्जर सबयूनिट के साथ अटैचमेंट के बाद बनती हैं। ऐसे ही इलोंगेशन है, इलोंगेशन के अंदर हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन होती है कि मैसेंजर आरएनए पर राइबोसोम तीन न्यूक्लियोटाइड आगे मूव करते हैं, और एक नई प्रोटीन इस स्टेप को गाइड करती है, एंड इट इज कॉल्ड ईएफ, मींस द इलोंगेशन।
प्रोपेगेशन फैक्टर। एंड पर हम देखते हैं कि स्टॉप कोडॉन आ जाता है मैसेंजर आरएनए पर, और स्टॉप कोडॉन आ जाने के बाद एक खास प्रोटीन एंटर होती है जिसको हम आरएफ यानी रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। और इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन बनता है म्यूटेशंस, ये लॉन्ग भी बन सकता है शॉर्ट भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। म्यूटेशंस की दो टाइप्स के बारे में बताना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है सडन चेंज इन द डीएनए, के डीएनए में जो आने वाली चेंजेस हैं इनको म्यूटेशन कहते हैं। अब वो कहते हैं ये दो तरह की हैं, अगर तो वो कुछ बेस पेयर की हो यानी स्मॉल पीस की हो तो इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, और अगर जो है वो लार्जर पीस हो डीएनए या क्रोमोसोम का तो ऐसी सूरत में हम इनको नाम देते हैं दीज आर द क्रोमोसोमल एबिरेशन। तो ये क्रोमोसोमल एबिरेशन कहलाती हैं। और इसी तरह से मजीद आगे इसके टाइप्स में आ जाएगा, डिलीशन है, इंसर्शन है, ट्रांसलोकेशन है और इसी तरह से इन्वर्जन है। तो ये बहुत सारे टाइप्स के अंदर इनकी डेफिनेशन जो है वो शामिल हो जाएगी। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर एग्जांपल दो हैं जिसको सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं और फेनाइल केटोनुरिया वाली डिजीज, जबकि क्रोमोसोमल एबिरेशन के अंदर जो सिंड्रोम्स हैं जैसे हम कहते हैं क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स और डाउन सिंड्रोम्स जो है वो इसकी एग्जांपल्स में शामिल होंगे। तो इस तरह से ये सेवन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और इस तरह से हमने